ओके मैम, ओके, डेमोन्स्ट्रेटिंग वर्कर्स क्रॉस फ्रॉम द फैक्ट्री क्वार्टर्स टू द सेंटर ऑफ द कैपिटल द नेवस्की प्रोस्पेक्ट. ठीक है, तो वो लोग कहाँ पे फैक्ट्री में तो ये कर ही रहे थे स्ट्राइक, बट फिर जो वहाँ पे जो कैपिटल था ना, नेवस्की प्रोस्पेक्ट, जो प्लेस अपन जिसका हम लोग पढ़ रहे हैं, पेट्रोगर्ड सेंट पीटर्सबर्ग, उनका जो कैपिटल था नेवस्की प्रोस्पेक्ट, वहाँ पे जाके ऑल्सो दे स्टार्टेड स्ट्राइकिंग. ठीक है, एट दिस स्टेज नो पॉलिटिकल पार्टी वॉज एक्टिवली ऑर्गेनाइजिंग द मूवमेंट. एज द फैशनेबल क्वार्टर्स एंड ऑफिशियल बिल्डिंग्स वर सराउंडेड बाय वर्कर्स, द गवर्नमेंट इम्पोज्ड अ कर्फ्यू. तो ठीक है, उस टाइम पे कोई पॉलिटिकल पार्टी उनको ये स्ट्राइक में कोई सपोर्ट कर नहीं रहा था. एंड फैशनेबल क्वार्टर्स और ऑफिशियल बिल्डिंग्स जो हम लोग ने देखा, विच वर कंसिडर्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे देखो फैशनेबल एरियाज एंड ऑफिशियल बिल्डिंग्स, ये सारे वो जो रिवर था नेवा उसके लेफ्ट हैंड साइड पे था, तो उनको भी फार्मर्स वहां पे ये सी या इवन दे वर सराउंडेड बाय वर्कर्स. तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने कर्फ्यू इम्पोज कर दिया कि वहां पे लोग जमा नहीं होना चाहिए, कर्फ्यू मतलब सब बंद होना चाहिए. डेमोन्स्ट्रेटर्स डिस्पर्स्ड बाय द इवनिंग, बट दे केम बैक ऑन 24th एंड 25th. तो जो सारे ये सारे जो आप अगर पिक्चर में देखो, ये सारे जो स्ट्राइक के लिए आए थे, तो कर्फ्यू लगा दिया था, तो वो उस टाइम के लिए चले गए थे, बट वापिस 24th और 25th नेक्स्ट डे पे वापिस वो लोग आके कर्फ्यू करना, अरे स्ट्राइक करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था. द गवर्नमेंट कॉल्ड आउट द कैवलरी एंड पुलिस टू कीप एन आई ऑन देम. अभी उस दिन नेक्स्ट डे जब आए, तो उस दिन तो कर्फ्यू नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, पुलिस और कैवलरी को वहां पे रखा कि भाई आप इनके ऊपर ध्यान रखना. ऑन संडे 25th फेब्रुवरी द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द ड्यूमा. पॉलिटिशियंस स्पोक आउट अगेंस्ट द मेजर्स. डेमोन्स्ट्रेटर्स रिटर्न इन फोर्स टू द स्ट्रीट ऑफ द लेफ्ट बैंक ऑन 26. ऑन द 27 द पुलिस हेडक्वार्टर्स वर रैनसेक्ड. The streets thronged with people raising slogans about bread, wages, better hours, and democracy. तो ड्यूमा को लोगों का लोगों को एक ड्यूमा का सपोर्ट था, उसको भी 25th फेब्रुवरी को गवर्नमेंट ने क्या किया, सस्पेंड कर दिया. तो नाउ द एंटायर पीपल दे वर अभी पूरे जोश में आ गए थे, वो लोग ऑलरेडी गुस्सा तो थे, अब सारे जोश में आ गए. तो उन्होंने क्या किया, 26 फेब्रुवरी को उन्होंने क्या किया, दे रिटर्न इन फोर्स टू द स्ट्रीट ऑन द लेफ्ट बैंक. जो लेफ्ट बैंक था वहां पे वो लोग गए. 27 को उन्होंने जो पुलिस हेडक्वार्टर्स था उनको रैनसेक कर दिया, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया. फिर जो लोग है ना वो लोग स्ट्रीट्स पे आ गए, स्ट्राइक कर रहे थे तो स्ट्रीट्स पे आ गए, एंड दे स्टार्टेड रेजिंग स्लोगन्स लाइक ब्रेड, वेजेस, बेटर आवर्स, डेमोक्रेसी, ये सब हमको चाहिए. वैसा दैट वी नीड ब्रेड, वी नीड प्रॉपर वेजेस, हम लोग को बेटर आवर्स चाहिए, जो हमें एक डेमोक्रेटिक कंट्री चाहिए वैसा. तो ये सारे जो उनके नीड्स थे उनको उन्होंने एज अ स्लोगन दे स्टार्टेड रेजिंग इट. द गवर्नमेंट ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन एंड कॉल्ड आउट कैवलरी वंस अगेन. तो उन्होंने क्या किया, कैवलरी, अभी हम लोग ने ऊपर देखा कि कैवलरी किसके अंडर थी, सार निकोलस के अंडर. तो गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट इन दी सेंस बच्चा, यहाँ पे गवर्नमेंट इज नथिंग बट सार निकोलस ओनली. हाँ, सार निकोलस का ही रूल था. तो जैसे हम लोग ने देखा यहाँ पे, एज आई सेड, द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द ड्यूमा. तो उसका जो थर्ड था ऊपर, हम लोग ने देखा ना कि सार का डिजायर था कि ड्यूमा को मैं डिसॉल्व कर दूं, तो वो उन्होंने 25th को किया. इसके लिए लोग और भड़क गए वैसा. एंड फिर क्या हो गया, यहाँ पे देखो, गवर्नमेंट ट्राइड टू कंट्रोल. तो सार निकोलस ने कैसे कंट्रोल करने का सिचुएशन सोचा, कैवलरी, कैवलरी हम लोग ने देखा कैवलरी उसी के अंडर में है, तो उसको लगा कि मैं कैवलरी से लोगों को कंट्रोल में करता हूँ. बट हाउएवर द कैवलरी रिफ्यूज्ड टू फायर ऑन द डेमोन्स्ट्रेटर्स, एंड यहाँ पे सार निकोलस का कॉन्फिडेंस पूरा गिर गया, बिकॉज उनको लगा कैवलरी तो मेरे अंडर है और मैं इनको बोलूंगा कि ये डेमोन्स्ट्रेटर्स, डेमोन्स्ट्रेटर्स मतलब यही जो बेचारे स्ट्राइक कर रहे हैं वो, तो उनके ऊपर मैं फायर मतलब शॉटगन कर दूं या उनको कैसे भी करके किल करने का ऑर्डर दिया. पर कैवलरी रिफ्यूज टू डू दैट, एंड एन ऑफिसर वॉज शॉट एट द बैरिक्स ऑफ अ रेजिमेंट, एंड 3 ऑफिसर रेजिमेंट म्यूटेड वोटिंग टू जॉइन द स्ट्राइकिंग वर्कर्स. तो यहाँ पे मतलब कैसे कैवलरी ने रिफ्यूज कर दिया, तो वापस लोगों को ज्यादा सपोर्ट मिला ना वैसे. एंड बाय दैट इवनिंग सोल्जर्स
and striking workers had gathered to form a Soviet or a council in the same building at the Duma Met, एंड दिस वॉज पेट्रोग्रेड सोवियन. ठीक है, तो अभी जो सारे वर्कर्स थे, जो स्ट्राइकिंग वर्कर्स थे, फिर जिनको सोल्जर्स का हेल्प मिला, जिनको कैवलरी का हेल्प मिला, उन्होंने सबने आके अपना एक ग्रुप फॉर्म किया ड्यूमा में ही, और वो ग्रुप को क्या नाम दिया, पेट्रोगढ़ सोवियत. पेट्रोगढ़ कैपिटल वो प्लेस का, और सोवियत मतलब हमारा काउंसिल या तो हमारा ग्रुप. क्लियर यहाँ तक? Yes, ma'am. या द वेरी नेक्स्ट डे अ डेलीगेशन वेंट टू सी द सार्स मिलिट्री कमांडर्स, एडवाइज हिम टू एब्डिकेट. ही फॉलोड देयर एडवाइस एंड एब्डिकेटेड ऑन 2 मार्च. एब्डिकेट मतलब क्या, कि अभी सार निकोलस का कुछ पावर ही नहीं रहा ना, बिकॉज जो उनके अंडर कैवलरी थी वो भी अब लोगों को सपोर्ट कर रही थी, तो भाई उसके पास तो कोई रूल ही नहीं था, खाली वो नाम का किंग बन गया था अभी. तो सारे ये नेक्स्ट डे उन्होंने ये जो उनका ग्रुप बना था पेट्रोगढ़ सोवियत, ये सारे गए सार निकोलस के पास और उनको बोला कि अभी ये आपकी जो किंग का अथॉरिटी है, जो पावर है, वो सारा अभी आप यहाँ पे कैंसल कर दो या बंद कर दो, ऐसा एब्डिकेट इज टू क्लोज इट वैसा. एंड देन अभी उनके पास तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है, तो ही फॉलोड देयर एडवाइस एंड ही एब्डिकेटेड ऑन 2 मार्च. ठीक है, तो 2 मार्च को ये जो किंग का रूल था वो पूरा गिर गया. फॉल ऑफ मोनार्की, जो हमारा चैप्टर का रशियन रिवॉल्यूशन का डेफिनेशन है, कि अक्टूबर का रिवॉल्यूशन और जो फेब्रुवरी का फॉल ऑफ मोनार्की, तो यहाँ पे मोनार्की का फॉल हुआ. क्लियर बच्चा लोग यहाँ तक? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. सोवियत लीडर्स एंड ड्यूमा लीडर्स फॉर्म अ प्रोविजनल गवर्नमेंट टू रन द कंट्री. अभी यहाँ पे हम लोग ने देखा सोवियत और काउंसिल पूरा पेट्रोगेट सोवियत बन गया, तो इन्होंने क्या किया, एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाया. प्रोविजनल इज अ टेम्पररी सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट, कि भाई अभी हम चलो ठीक है, अगर ग्रुप है तो हम सब एकाई मतलब हम सभी गवर्नमेंट को चलाते हैं वैसा. रशिया फ्यूचर वुड बी डिसाइडेड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज बोलो या सफरेज बोलो. मतलब क्या यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, बच्चा कभी भी याद रखने का, मतलब क्या, दैट एवरी सिटीजन शुड हैव द राइट टू वोट, इज बेसिकली यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज. और उन्होंने बोला कि आगे हम एक ऐसा गवर्नमेंट बनाएंगे, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाएंगे जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज को सपोर्ट करे, ना कि के जो प्रॉपर्टीज है वाले, जो प्रॉपर्टी ओनर्स है वो ही वोट करे या जो टैक्सेस पे करता है वो ही वोट करे. नो, एवरीवन शुड हैव द राइट टू वोट. पेट्रोग्रेड हैड द लीड हैड लेट सॉरी पेट्रोग्रेड हैड लेट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन दैट ब्रॉट डाउन द मोनार्की इन फेब 1917. तो इनके सपोर्ट और इनके ग्रुप के वजह से जो मोनार्की था उसका फॉल हुआ फेब 1917 में. क्लियर यहाँ तक? यस मैम. ओके, सो नाउ वी आर, कौन सा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चा लोग? मैम, सेकंड चैप्टर. या विच इज रशियन रेवोल्यूशन. और रशियन रेवोल्यूशन किसको बोला है? टू इवेंट्स को, द फॉल ऑफ मोनार्की इन फेब 1917 जो हमने अभी तक पढ़ा, जो हमने पढ़ा कि कैसे मोनार्की का फॉल हुआ, तो ये एक इवेंट, और अक्टूबर रिवॉल्यूशन 1917, ये दोनों इवेंट को मिला के वी कॉल इट एज रशियन रिवॉल्यूशन. तो हम लोग ने बच्चा लोग एक फर्स्ट हाफ अभी देख लिया है, समझा? अभी हम कौन सा सेकेंड हाफ देखेंगे? यस मैम, क्या बोला आपने? कौन सा सेकेंड हाफ देखेंगे? रशियन रिवॉल्यूशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू इवेंट्स, राइट, दिस वन एंड दिस वन. तो हम लोग ने अभी फॉल ऑफ मोनार्की देख लिया, तो अभी हम लोग कौन सा पार्ट पढ़ेंगे? अरे इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? रशियन रिवॉल्यूशन दो इवेंट्स का कॉम्बिनेशन. मैम, उसके बाद क्या हुआ उन दोनों के बाद? नहीं, अरे यू गाइस आर नॉट गेटिंग मी. रशियन रिवॉल्यूशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू इवेंट्स, वन विच अकर्ड इन 1917 का फेब्रुवरी एंड वन विच अकर्ड इन 1917 का अक्टूबर रिवॉल्यूशन. अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बारे में या वही तो पूछ रही हूँ, इतना क्या कंफ्यूज हो रहे हो? ठीक है,
वी हैव सीन द फॉल ऑफ मोनार्की, तभी सब अच्छा चल रहा था राइट. हम लोग ने देखा कि एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाया गया था, यूनिवर्सल बच्चा एडल्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को सपोर्ट कर रहे थे, सब अच्छे से हो रहा था. सो अभी अक्टूबर का रिवॉल्यूशन क्यों हुआ? नाउ ये हम लोग ने देखा फेब्रुवरी मार्च का. नाउ व्हाट मतलब व्हाट लीड टू अक्टूबर रिवॉल्यूशन? के अभी तो रिवॉल्यूशन हुआ था अच्छे से, तो वापस रिवॉल्यूशन का कॉज क्या था वो अभी हम लोग पढ़ेंगे. आफ्टर फेब्रुवरी, फेब्रुवरी के बाद में क्या हुआ? आर्मी ऑफिशियल, लैंड ओनर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट वेर इन्फ्लुएंशियल इन द प्रोविजनल गवर्नमेंट, बट द लिबरल्स एज वेल एज सोशलिस्ट अमॉन्ग देम वर्क टूवर्ड्स एन इलेक्टेड गवर्नमेंट. रेस्ट्रिक्शंस ऑन पब्लिक मीटिंग्स and associations were removed. Soviets like the Petrograd Soviets were set up everywhere, though no common system of election was followed. ठीक है, कभी हम लोग ने provisional government देखा, उसमें कौन-कौन थे? They had army official, landowners and industries. इंडस्ट्रियलिस्ट तो ऐसे देखा जाए तो सारे बड़े लोग ही थे जो फर्स्ट इसके थे, फर्स्ट क्या था, थ्री स्टेट्स थे ना, तो फर्स्ट स्टेट्स सेकेंड स्टेट्स के लोग थे. तो जो लिबरल्स और सोशलिस्ट थे ना, दे थॉट दैट वी नीड टू यू नो वी नीड टू क्रिएट आर ग्रुप, या हमारा कोई अलग से सोवियत होना चाहिए वैसे, बिकॉज देर इज नो कॉमन सिस्टम ऑफ इलेक्शन, कि कहीं पे इलेक्शन का कॉमन सिस्टम नहीं है. सो इन अप्रैल 1917 द बोल्शेविक लीडर व्लादिमीर लेनिन रिटर्न टू रशिया फ्रॉम हिज एग्जाइल. हम लोग ने देखा था पहले कि कैसे लेनिन कंट्री छोड़ के चले गए थे राइट, वो कंट्री छोड़ के भाग गए थे. तो अभी 1917 में जब सब अच्छा हो गया, वो वापिस अपने कंट्री में आ गए. ठीक है, He and Bolsheviks had opposed the war since 1914, right? हम लोग ने देखा था ना ऊपर लास्ट चैप्टर में कि Bolsheviks और उसका ग्रुप 1914 में कैसे कंट्री छोड़ के बाहर चले गए थे. तो अभी 1917 मतलब 4 साल बाहर थे, और अभी 1917 में वो वापस अपने कंट्री आ गए थे. Now he felt it was time for Soviets to take over power. ठीक है, अभी यहाँ पे कौन सा आइडियोलॉजी आता है? सोवियंट्स टू टेक ओवर पावर, जो अभी सोवियंट्स का रूल है ना. अभी हम लोग ने यहाँ पे देखा सोवियंट अच्छी खासी बनी है प्रोविजनल गवर्नमेंट की, तो लेनिन ने आके बोले कि इनको ही अपना पावर ले लेना चाहिए. तो यहाँ पे यू कैन सी कार्ल मार्क्स आइडियोलॉजी. रिमेम्बर कार्ल मार्क्स का आइडियोलॉजी क्या था? कि जो वर्कर्स है उन्हीं को पूरा लैंड ओनर का जमीन ले लेना चाहिए और उन्हीं को अपना रूल रूल करना चाहिए, तो सो दैट वी डोंट नीड एन एक्सटर्नल गवर्नमेंट. तो यहाँ पे लेनिन का भी यही मानना था कि जो सोवियत है ना उनको ही पूरा पावर अपने हाथ में ले लेना चाहिए. ही डिक्लेयर्ड दैट द वॉर बी बॉट टू अ क्लोज, लैंड बी ट्रांसफर टू द पीजेंट एंड बैंक्स बी नेशनलाइज. दिस थ्री डिमांड्स वर लेनिन्स अप्रैल थीसिस. ठीक है, ये एग्जाम में पूछते हैं व्हाट इज लेनिन अप्रैल थीसिस या व्हाट इज अप्रैल थीसिस. तो अप्रैल थीसिस क्या है? जैसे ही लेनिन व्हेन ही रिटर्न टू रशिया, ही केम एंड ही अपोज लाइक ही डिमांडेड थ्री थिंग्स. व्हिच वर द थ्री थिंग्स? दैट वॉर शुड बी ब्रॉट टू अ क्लोज, के जो वॉर हमारा जर्मनी के साथ हो रहा है वो बंद हो जाना चाहिए. दूसरा डिमांड क्या था? लैंड टू बी ट्रांसफर टू पीजेंट्स, के जिस पीजेंट्स और जो वर्कर्स जिस लैंड के लिए काम करते हैं वो उनको वापस मतलब उनके नाम पे कर दी जानी चाहिए वैसे. एंड थर्ड वॉज बैंक्स शुड बी नेशनलाइज. एंड दीज थ्री डिमांड्स आर नोन एज लेनिन्स अप्रैल थीसिस. क्लियर? यस मैम. Okay. He also argued that the Bolshevik Party renamed itself the Communist Party to indicate its new radical aims. तो उनका मानना क्या था? जो Bolshevik Party जो हमने नाम पहले दिया था, वो Bolshevik Party को rename करके क्या नाम देना चाहिए? Communist Party. क्यों नाम change कर दिया? Because हमने अभी नए aims लाए, हमारा aim नया है, हमारा focus नया है. तो अगर कुछ हम नया start कर रहे हैं तो हम party का नाम भी change कर देंगे. ये इनका मानना था. किनका मानना था? वेल बोल्शेविक पार्टी
लेनिन ना। हाँ, लेनिन का मानना था बच्चा, बोल्शेविक पार्टी नहीं, लेनिन का मानना था कि बोल्शेविक पार्टी को अपना नाम चेंज करके कम्युनिस्ट पार्टी रख देना चाहिए। तो हम लोग ने देखा अभी जैसे लेनिन आया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले तो अप्रैल थीसिस में अपने 3 डिमांड कर दिए। 10 डिमांड के बाद उन्होंने और एक डिमांड किया कि बोल्शेविक पार्टी को अपना नाम चेंज करके कम्युनिस्ट पार्टी रख देना चाहिए। Most others in the Bolshevik parties were initially surprised by the April thesis. तो जो Bolshevik party के लोग थे, they were surprised by with this April thesis. They thought that the time was not yet ripe for a social revolution and the provisional government needed to be supported. But the developments of the subsequent months changed their attitude. ठीक है? तो पहले लोगों को क्या लगा, Bolshevik party के लोगों को, कि अभी ये perfect time नहीं है कि हम वापस socialist revolution करें। अभी तो हम फेब्रुवरी रिवॉल्यूशन से बाहर आए और अभी जस्ट बाहर आते अच्छी खासी गवर्नमेंट चल रही है, तो उसको वापस क्यों चेंज करना है। तो पीपल स्टार्टिंग स्टार्टिंग में दे वर नॉट रेडी विद दिस रिवॉल्यूशन, बट लेटर ऑन विद द डेवलपमेंट्स दे चेंज देयर एटीट्यूड। बट फिर अलग अलग डेवलपमेंट्स हुए एंड उनको लगा कि ठीक है चलो जैसे लेनिन बोल रहे हैं वैसे हम कर देंगे। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में उनको लगा अरे भाई अभी तो सब ठीक हुआ, वापस नॉर्मल हुआ, वापस देर इज नो नीड ना, डायरेक्ट एक रिवॉल्यूशन से हम बाहर रहा है, वापस एक रिवॉल्यूशन करे वो उनको कन्विंसिंग नहीं लग रहा था। थ्रू द समर द वर्कर्स मूवमेंट स्प्रेड इन इंडस्ट्रियल एरियाज, फैक्ट्री कमिटीज वे फॉर्म्ड व्हिच बिगन क्वेश्चनिंग द वे इंडस्ट्रियलिस्ट रैन देयर फैक्ट्रीज, ट्रेड यूनियन ग्रू इन नंबर। ठीक है, तभी फैक्ट्री कमिटीज वो फॉर्म के अलग अलग फैक्ट्री कमिटीज फॉर्म कर रहे थे। दे वर बिगिनिंग स्टार्ट यू नो दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग कि कैसे इंडस्ट्रीज रन होना चाहिए, कैसे वर्कर्स को प्रॉपर वेजेस मिलने चाहिए। ट्रेड यूनियन वापस स्टार्ट हो गया था कि बाहर के कंट्रीज के साथ वापस ट्रेड हमारा स्टार्ट हो गया था। सोल्जर्स कमिटीज वो फॉर्म, अभी सोल्जर्स कमिटी कैसे कि सबके आइडियाज अलग अलग हो, दे आर फाइटिंग फॉर कंट्री, बट एक होगा जो लेनिन का फॉलो करेगा, एक होगा जो प्रोविजनल गवर्नमेंट का फॉलो करेगा। तो सबके आइडियाज अलग अलग है, तो जिस सोल्जर्स को जो आइडिया कन्विंसिंग लगता है वैसे वैसे वो लोग अपनी कमेटी फॉर्म कर रहे थे। एंड इन जून अबाउट 500 सोवियंट सेंट रिप्रेजेंटेटिव टू ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियंट्स। एज द प्रोविजनल गवर्नमेंट सॉ इट पावर रिड्यूस एंड बोल्शेविक इन्फ्लुएंस ग्रो, इट डिसाइडेड टू टेक स्टर्न्स मेजर अगेंस्ट द स्प्रेडिंग डिसकंटेंट। तो अभी क्या सब जगह सोवियंट का पावर बढ़ रहा था, सोवियत ने फैक्ट्री बनाए, इंडस्ट्रीज फॉर्म किए, ट्रेड यूनियन स्टार्ट किया, सोल्जर कमिटीज बनाए, 500 सोवियंट्स को रशियन कांग्रेस में भेजा। तो नाउ यू कैन सी के धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये जो बोल्शेविक है वो लोग ग्रो हो रहे हैं। तो जो हमारा पहले जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बना था वो अभी थोड़ा ठंडा पड़ रहा था। तो नाउ प्रोविजनल गवर्नमेंट सॉ दैट उनका पावर रिड्यूस हो रहा है एंड बोल्शेविक ग्रो हो रहे, तो नाउ दे डिसाइडेड दैट वी शुड डू समथिंग जिससे हमारा पावर बढ़े। इट डिसाइडेड अटेम्प्ट्स बाय वर्कर्स टू रन फैक्ट्रीज एंड बिगेन अरेस्टिंग लीडर्स। पॉपुलर डेमोन्स्ट्रेशन स्टेज बाय द बोल्शेविक इन जुलाई 1917 वाज स्टर्नली रिप्रेस, मेनी बोल्शेविक लीडर्स हैड टू गो इनटू हाइडिंग और फ्ली। ठीक है, तो ये लोग ने क्या किया, दे स्टार्टेड अटेम्प्ट्स बाय वर्कर्स टू रन फैक्ट्रीज एंड बिगेन अरेस्टिंग लीडर्स, के जो जो लीडर्स थे उनको ये लोग अरेस्ट करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो जो बोल्शेविक के जो मेंबर्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुद को हाइड करना स्टार्ट कर दिया, या कोई तो वहां दूसरे कंट्री में या दूसरे प्लेसेस में वहां पे भाग गए वैसा। Meanwhile, in the countryside, peasants and their socialist revolutionary leaders pressed for a redistribution of land. और दूसरे साइड क्या हो रहा था, जो peasants थे वो लोग वापस आ रहे थे और खुद के लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। लैंड कमिटीज वर फॉर्म टू हैंडल दीज, और ये सारा हैंडल करने के लिए एक अलग से लैंड कमिटी बनाई गई थी। एंड एनकरेज बाय द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज पीजेंट सीज लैंड बिटवीन जुलाई एंड सितंबर 1917। और ये सारे सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी से इंस्पायर होते हुए पीजेंट ने कभी अपना लैंड सीज कर लिया जुलाई और सितंबर में। क्लियर यहाँ तक? यस मैम। वट वी हैव सीन, ये पैराग्राफ में क्या देखा हम लोग ने, किसका पावर ज्यादा था, प्रोविजनल गवर्नमेंट का के बोल्शेविक ग्रुप का? दक्ष
Who started increasing? Bolshevik group or provisional government? Parth. Which party started increasing? Provisional government or Bolshevik party? मैम ये बोलिशर पार्ट हाउ क्या क्या कैसे उनका इंक्रीज हुआ दे स्टार्टेड फैक्ट्री कमिटीज दे स्टार्टेड इंडस्ट्रीज ट्रेड यूनियन स्टार्ट हो गया सोल्जर कमिटी बना ठीक है तो ऐसे ऐसे वी हैव सीन बोल्शेविक का ग्रुप बढ़ने लगा प्रोविजनल गवर्नमेंट का रूल नीचे नीचे कम होते हुआ देन वी हैव सीन के पीजेंट ने फाइनली अपना लैंड सीज किया जुलाई और सितंबर के बीच में ठीक है नाउ द रिवॉल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917 के रिवॉल्यूशन फिर क्यों स्टार्ट हुआ सब तो अच्छे से हो रहा था सो रिवॉल्यूशन क्यों हुआ व्हाट वर द कॉज वो सारा हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे क्लियर ओके होमवर्क आप लोग आज 10 o'clock तक सबमिट कर दो आई विल सेंड इन द ग्रुप इन लाइक हाफ एन आवर के अंदर मैं आपको सेंड करती हूँ ग्रुप में आप 10 o'clock के 10:30 तक आप लोग सबमिट कर लो आराम से ठीक है ओके मैम